हेलो एस जी टी बी स्टूडेंट्स, आई एम रजनी फ्रॉम एस जी टी बी स्कूल. स्टूडेंट्स वेलकम टू एल्गा क्लास. स्टूडेंट्स टूडे वी विल डिस्कस अ वर्कशीट 21. आज हम यूनिट 4 की लास्ट वर्कशीट 21 के बारे में डिस्कस करेंगे. इसके बाद हमारी यूनिट 4 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी. इन दिस वर्कशीट स्टूडेंट्स वोकेबलरी वर्ड्स जो हम वोकेबलरी वर्ड्स जितनी भी हमने स्टोरीज रीड की हैं, हमने स्टोरीज के साथ वोकेबलरी वर्ड्स को भी रीड किया है. इन फर्स्ट क्वेश्चन अब क्या करना है, सॉर्ट द पिक्चर्स बाय राइटिंग देयर नेम्स इन द करेक्ट कॉलम. यहाँ पे हमें टू कॉलम्स दिए गए हैं. फर्स्ट में हमने क्या राइट करना है, थिंग्स वी गेट फ्रॉम ट्रीज, जो ट्रीज वृक्ष से जो जो हमें मिलता है लाइक फ्रूट कॉटन, हमने वो यहाँ पे इन पिक्चर्स को देखते हुए यहाँ पे राइट करना है. और थिंग्स वी कैन डू विथ ट्रीज, वृक्ष के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं. हमने स्टोरी रीड की थी इसलिए हमें पता है कि हम ट्रीज के साथ क्या क्या कर सकते हैं, वो हमने थिंग्स यहाँ पे राइट करनी है. इन सेकंड इसमें क्या करना है, नेमिंग वर्ड्स. नेमिंग वर्ड्स के बारे में हमने टॉपिक पढ़ा था कि किसी पर्सन प्लेस एनिमल्स और किसी थिंग के नेम को क्या कहते हैं, नेमिंग वर्ड कहते हैं. इसमें आपने क्या करना है, सॉर्ट द वर्ड्स इनटू द करेक्ट कैटेगरी. नीचे हमें टू कॉलम दिए गए हैं, सेम प्रॉपर नेमिंग वर्ड एंड कॉमन नेमिंग वर्ड. और ऊपर ही हमें यहाँ पे बॉक्सेस के अंदर यहाँ पे दिए गए हैं वर्ड्स. हमने ये देखना है इनको रीड करने के बाद कि कौन से प्रॉपर नेमिंग वर्ड हैं और कौन से कॉमन नेमिंग वर्ड हैं. हमने इन्हें यहाँ पे डिफरेंट कर में राइट करना है. प्रॉपर नेमिंग वर्ड्स में प्रॉपर वाले राइट होंगे और कॉमन नेमिंग वर्ड में कॉमन वाले नेमिंग वर्ड्स राइट होंगे. सो ओके स्टूडेंट्स, आपका जो आज का होमवर्क है वो यही है कि वर्कशीट 21 आपने अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करनी है. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.